सीखेंगे कि अनंत जीवन के लिए हमें इसी जीवन में तैयार हो जाना है और हमारे पास तैयारी का साधन परमेश्वर का वचन है। हमारा विषय है चतुर भंडारी का दृष्टांत, धूर्त फरीसियों को यीशु का उत्तर, तलाक के विषय यीशु का मत, धनवान व्यक्ति और लाजर की कथा। आइए हम सबसे पहले देखें चतुर भंडारी का दृष्टांत। यह दृष्टांत प्रायः गलत समझा जाता है क्योंकि इसे ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु किसी दुष्ट का पक्ष ले रहा है। निसंदेह यह भंडारी पूरा का पूरा एक दुष्ट व्यक्ति था। कुछ लोगों की समझ के अनुसार यीशु के दृष्टांतों में प्रत्येक चरित्र एक नायक है और आदर्श मनुष्य का उदाहरण है। यदि आपके मन में भी ऐसी धारणा है तो अपने विचार बदल दीजिए, अन्यथा इस दृष्टांत में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस कहानी का नायक एक दुष्ट व्यक्ति है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रभु के दास ने ग्रीष्मकालीन अध्ययनों में उपदेश की श्रृंखला तैयार की, प्रकाशमान धूर्त, धर्मशास्त्र के दुष्ट, थियोलॉजी के चोर, बाइबल के बुरे जन। यह अध्ययन श्रृंखला बहुत बड़ी थी क्योंकि धूर्तों की कमी नहीं थी। यह भंडारी उनमें से एक है। मैं पहले कह चुका हूं कि लूका अपने दृष्टांतों में तुलनात्मक रूप से विषम स्थिति को रखते हैं। वही एकमात्र सुसमाचार के लेखक हैं जो ऐसा करते हैं। उसके अधिकांश दृष्टांत परस्पर तुलनात्मक हैं। इस दृष्टांत में हमारा प्रभु एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देता है जो पूर्ण रूपेण सांसारिक है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि संसार अपनों ही से प्रीति रखता है और परमेश्वर के जनों से घृणा करता है। देखिए, यीशु स्वयं कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:18-19 में, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मित्रों, परमेश्वर की संतान इस संसार की नहीं है और इस संसार के अनुसार जीवन नहीं जीता है। गलतियों को लिखे गए पत्र में पौलुस कहता है 1:4 में, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। और रोमियो के पत्री 12:2 में वह कहता है, इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसी संबंध में यूहन्ना अपनी पहली पत्री में लिखता है 1:15 में, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मेरे मित्र, संसार में एक नियम है जिसे हम जीवन का नियम कहते हैं। यह चतुर भंडारी इसी नियम का पालन करता है। संसार की पहली आज्ञा है आत्मसंरक्षण। व्यापार में बेईमानी अपेक्षित होती है, संदिग्ध अभ्यास देखने में स्वीकार्य प्रतीत होते हैं। चतुर व्यक्ति की सराहना की जाती है। कानून चतुरों और अपराधियों के पक्ष में होता है। संसार की व्यवस्था के अनुसार दोषी ना पाए जाने तक प्रत्येक धूर्त निर्दोष माना जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन इसके विपरीत है। परमेश्वर कहता है कि मनुष्य निर्दोष सिद्ध होने तक दोषी है। रोमियो के पत्र 3:23 में पौलुस कहता है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मित्रों, मनुष्य परमेश्वर के समक्ष कभी भी निर्दोष नहीं है, परंतु वह उसके सम्मुख निर्दोष कहा जा सकता है। पौलुस रोम की कलीसिया को लिखता है रोमियो के पत्र 8:1 में, जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है तो वह उसी विश्वास के कारण दोष मुक्ति पाता है। मनुष्य के निर्दोष ठहराए जाने का एकमात्र मार्ग यही है। हम लूका रचित सुसमाचार 16:1 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर उसने चेलों से कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि यह तेरी सब संपत्ति उड़ाए देता है। मित्रों, यहाँ इस कहानी में एक धनवान व्यक्ति है जिसका भंडारी बड़ा चतुर है। भंडारी को हमारे यहाँ मुनीम भी कहते हैं।
भंडारी या मुनीम अपने स्वामी के घर और कारोबार का संपूर्ण लेखा रखता है। अब्राहम का भंडारी हारान देश को गया था कि इसहाक के लिए वधू लेकर आए। पहला इतिहास की पुस्तक उसके 28 अध्याय और उसके एक पद में दाऊद के पास भी भंडारी थे जो उसकी संपूर्ण संपत्ति और उसकी संतान के उत्तरदायी थे। पौलुस क्रंथियों की कलीसिया को लिखता है, पहला क्रंथियों 4 अध्याय उसके 2 पद में, भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। मित्रों, आज की तुलना में इस दृष्टांत का भंडारी ऐसा हुआ जैसा किसी निगम का अध्यक्ष। वह उस धनवान मनुष्य की संपत्ति का सर्वे सर्वा ही था। वह उसके कारोबार को हानि पहुंचा रहा था और पैसों का घोटाला कर रहा था। वह ऐसा काम करता था जैसा किसी बैंक का अध्यक्ष पैसों से घोटाला कर रहा हो। वह अपने स्वामी के भंडार का व्यर्थ में पैसा गंवा रहा था। हम लूका 16 उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं, सो उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। अब समय आया कि उसका लेखा परीक्षा का और लेखा देना उसे पड़ा। अब क्योंकि उसके पास स्वामी की मुहर थी और बही खाता भी वही संभालता था, तो उसने सांसारिक नियम के अनुसार अपनी आत्मसंरक्षण विधि अपनाई। हम लूका 16 उसके 3 पद में पढ़ते हैं, तब भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी के काम मुझसे छीन ले रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मेरे मित्रों, यह व्यक्ति मजदूरी करने योग्य नहीं था। दूसरी ओर वह भीख मांगने से भी लज्जा का अनुभव करता था। अब आपको यह पढ़कर हंसी आएगी कि वह भीख मांगने से लजाता था, परंतु चोरी बेईमानी से वह लज्जित नहीं था। आज दुर्भाग्य से अनेक लोग ऐसा ही करते हैं। हम लूका 16 उसके 4 पद में पढ़ते हैं, मैं समझ गया कि मैं क्या करूँगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। इस व्यक्ति के मन में पश्चाताप नहीं था, उसे अपने कामों का दुख भी नहीं था। यह व्यक्ति एक दुष्ट जन था, परंतु सांसारिकता के अनुसार वह चतुर था। वह अन्य किसी काम में प्रवीण नहीं था और न ही उसकी आयु किसी काम को करने के योग्य उसे ठहराती थी। उसका अहंकार उसे भीख मांगने नहीं देगा, परंतु बेईमानी के लिए उसका विवेक लज्जित नहीं था। लूका 16 उसके 5 और 6 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और उसने अपने स्वामी के देनदारों में से एक को बुलवाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है। उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा कि अपनी खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने स्वामी के कर्जदारों को बुलाया और प्रत्येक से पूछा, मेरे स्वामी के प्रति तुम्हारा क्या ऋण है? एक ने कहा, 100 कनस्तर तेल। ठीक है, ऐसा कर 50 का हिसाब लिख ले। अब उस व्यक्ति को केवल आधा ही ऋण लौटाना था। तब हम पढ़ते हैं लूका 16 अध्याय के 7 पद में, फिर दूसरे से पूछा, तुझ पर क्या आता है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपनी खाता बही लेकर 80 लिख दे। मेरे मित्रों, दूसरे ने कहा, 100 मन गेहूं। उसने उसे 20% की छूट दे दी। इस कर्जदार की उसने पहले कर्जदार के बराबर छूट नहीं दी। क्यों? यह बात मेरी समझ से बाहर है। यह भंडारी अंत में भी उतना ही बेईमान है जितना वह अपनी नौकरी के आरंभ में था। न वह पकड़ा गया और न ही उसे कोई दंड दिया गया। लूका 16 उसके 8 पद में लिखा है, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि उसे किसने सराहा, उस धनवान व्यक्ति ने, उसके स्वामी ने। ऐसा प्रतीत होता है कि वह धनवान व्यक्ति भी अपने भंडारी की नाई अनिष्ट जन था। वह भी सांसारिक नियमों पर चलता था। उसने उसे चतुराई के लिए सराहा। क्यों? क्योंकि संसार की रीति यही है। यही वह संसार है जो मसीह से घृणा करता है। संसार अपने नियम स्वयं बनाता है। सांसारिक स्वामी ने अपने सांसारिक भंडारी की सराहना की, क्योंकि उसने सांसारिक सौदों में सांसारिक बुद्धि काम में ली थी। तब प्रभु यीशु ने कहा, इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। कहने का अर्थ यह है कि इस संसार के लोग, इस युग के लोग,
ज्योति की संतान की तुलना में धन के उपयोग में अधिक चतुराई से काम करते हैं। हम लूका 16 उसके 9 पद में पढ़ते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। अत्यधिक विस्मयकारी बात तो यहां पर यह है, यह आश्चर्यजनक बात है कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। या अधर्म का धन क्या है? धन दौलत? धन स्वयं बुरा नहीं है। धन का संबंध सदाचार या दुराचार से नहीं है। धन का लोभ बुराइयों की जड़ है। विश्वासियों के लिए धन को आत्मिक परिप्रेक्ष्य में होना है। हमारे प्रभु यीशु ने कहा कि हमें स्वर्ग में धन एकत्र करना है। हमें अपने धन के सदुपयोग में बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। जब हम विफलता का मुंह देखें या जीवन का अंत हो, तब स्वर्ग में हमारा स्वागत होगा। हम लूका 16 अध्याय उसके 10 से 12 पद में पढ़ते हैं, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराए धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? मेरे मित्र, हम भौतिक वस्तुओं के भंडारी हैं। विश्वासियों का अपना कुछ नहीं है। हमें सांसारिक वस्तुओं के उपयोग का लेखा परमेश्वर को देना है। प्रभु ने स्वयं कहा है कि सांसारिक मनुष्य भंडारी उत्तरदायित्व में ज्योति की संतान से अधिक बुद्धिमान है। मैंने लोगों को शेयर बाजार में आते जाते और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का अध्ययन करते देखा है। वे वहां बैठकर हिसाब किताब लगाते थे कि उन्हें कब शेयर खरीदने हैं। वे शेयर तब ही खरीदते थे जब उन्हें पूरा विश्वास हो जाता था कि उनका मूल्य बढ़ेगा। मुझे एक मसीही भाई ने बताया कि उसने शेयर बाजार से ही धन कमाया है। इसी कारण वह कलीसिया में कोई उत्तरदायित्व संभालना नहीं चाहता था। वह पैसा कमाने में बुद्धिमान था। आज कितने मसीही जन अधर्म का पैसा कमाने में बुद्धिमान हैं? क्या वे उसका सदुपयोग करके आत्मिक धन संग्रह करते हैं? परमेश्वर सांसारिक समृद्धि के दुरुपयोग के लिए आपसे लेखा लेगा, क्योंकि वही उसका देने वाला है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक ऐसे कार्यक्रम को जानता हूं जो किसी के वैयक्तिक लाभ के लिए चलाया जाता है। एक और मसीह संस्था है जिसमें अनुदान का 90% भाग महंगी मोटर गाड़ियों में चलाने और अधिकारियों में खर्च किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको उनके द्वारा किसी गरीब की सहायता हेतु 10 रुपये देने के लिए 100 रुपये वहां देने पड़ते हैं। मसीही जनों के दान देने में भी बुद्धिमानी की कमी है। यदि मसीही जन सांसारिक मनुष्यों की नाय बुद्धिमान हो जाएं तो ऐसा नहीं होगा। मेरे विश्वासी भाइयों, पैसों के बारे में आप कितने बुद्धिमान हैं? क्या आप अपना पैसा आवश्यकताग्रस्त मनुष्यों में परमेश्वर का वचन पहुंचाने में लगा रहे हैं? चतुर भंडारी के इस दृष्टांत में प्रभु यीशु कह रहा है, क्या तुम सोचते हो कि परमेश्वर तुम पर स्वर्गीय भंडार के लिए भरोसा करेगा? यदि तुम उसके द्वारा दी गई सांसारिक धन संपत्ति का सदुपयोग नहीं करते हो तो धन आत्मिक विषम है। आप दान देने के लिए ही उत्तरदायी नहीं है। आपका उत्तरदायित्व है कि अपना पैसा वहां लगाएं जहां मनुष्यों में वचन का प्रचार सर्वाधिक फल लाए। हम लूका 16 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आप अपने पैसों से क्या करते हैं? क्या आप धन जमा करते हैं, अर्थात कमाते हैं? यदि हाँ, तो आप उन पैसों से क्या कर रहे हैं? यह एक उचित प्रश्न है। क्या आप उसे सांसारिक वस्तुओं में निवेश कर रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या आप धन की सेवा कर रहे हैं? क्या पैसा आपका ईश्वर है? आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या धन की? आप 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। यहां पर प्रभु यीशु लोभी फरीसियों को उत्तर देते हैं। यीशु की बातें सुनकर फरीसियों में अपराध तफरी हो गया, अर्थात अपराध का बोध आ गया। हम लूका 16 उसके 14 से 17 पद में पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठड्डों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है
क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु फरीसियों के मन को जानता था, वह आपके मन को भी जानता है। परमेश्वर जानता है कि मेरे मन में क्या है। हम एक दूसरे से मन की बात छिपा सकते हैं, परंतु परमेश्वर से नहीं। हम परमेश्वर के प्रतिमान में खरे नहीं उतर सकते हैं। हम आगे देखते हैं तलाक पर यीशु का मत। लूका 16 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है वह भी व्यभिचार करता है। यदि तलाक के बारे में धर्मशास्त्र में केवल यही पद है तो मसीही दंपतियों में तलाक कभी नहीं होना चाहिए। इस पद की तुलना मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और पहला कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय में इसके बारे में दिया गया है। किसी बात की सच्चाई को निश्चित करने के लिए संपूर्ण धर्मशास्त्र से उसकी तुलना करना आवश्यक है। हमारे प्रभु ने इस विषय पर जो कहा वह उन मनुष्यों से था जो व्यवस्था के अधीन थे, क्योंकि वे परमेश्वर के विधि विधान की मान्यता को कम आंकते थे। हम आगे देखते हैं यीशु धनवान मनुष्य और गरीब लाजर की कथा सुनाते हैं। यह एक और महान दृष्टांत है जो केवल लूका रचित सुसमाचार में ही पाया जाता है। मेरा मानना है कि यह एक काल्पनिक कथा नहीं है। यीशु ने अन्य दृष्टांतों की नाय इस कहानी को भी सच्ची घटनाओं से लिया था। यीशु ने वही दृष्टांत काम में लिए थे जो उसके श्रोताओं के लिए सामान्य जीवन की घटना होते थे। अतः वे समझते थे कि यीशु के कहने का अभिप्राय क्या था। वह इस दृष्टांत में लाजर का नाम लेता है। यीशु काल्पनिक चरित्रों को नाम नहीं देते। हम लूका 16 अध्याय उसके 19 पद में पढ़ते हैं, एक धनवान मनुष्य था जो वैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। मित्रों, यह एक धनवान मनुष्य की कहानी है जो परमेश्वर से रहित जीवन जी रहा था और अंत में मर गया। यह कहानी उस लोक में चली जाती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। इस कहानी में प्रभु इस संसार से परलोक में बिना अंतराल के प्रवेश कर जाता है। यद्यपि हम इस जीवन और उस जीवन की दीवार के पार नहीं जा सकते, प्रभु उस संसार के बारे में उसी स्वाभाविकता के साथ चर्चा करता है जिस स्वाभाविकता से वह इस जीवन की चर्चा करता था। मनुष्य जब कल्पना करता है तब वह अपने सपनों के आधार पर असीमित धारणाएं उत्पन्न कर देता है और समस्याएं खड़ी कर लेता है। इस कहानी में हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। मृत्यु के बाद के दृश्य के बारे में केवल 4 मनुष्यों ने अधिकार से पूछा, अर्थात कहा, प्रभु यीशु, लाजर, यूहन्ना, क्योंकि उसे प्रकाशन प्राप्त हुआ था, और पौलुस जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, जिसे हम दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय उसके 2 पद में पाते हैं। हम लूका 16 अध्याय उसके 20 से 21 पद में आगे पढ़ते हैं, और लाजर नाम एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। मित्रों, यहाँ 2 मनुष्य हैं जो सामाजिक और आर्थिक स्तर से 2 छोर पर हैं। वरन मेरे विचार में हर एक क्षेत्र में एक मनुष्य समृद्धि की प्रतिकाष्ठा और दूसरा दरिद्रता की चरम सीमा पर है। ऐसे शायद ही 2 मनुष्य पाए जाएं। यह गरीब मनुष्य धनवान व्यक्ति की मेज पर गिरने वाले टुकड़ों पर पल रहा था। उसे धनवान व्यक्ति के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं था। वह सबसे नीचे के स्थान पर था। कुत्ते उसके घावों को चाटते थे। प्रभु ने बहुत कम शब्दों में उस व्यक्ति की दीनहीन दशा का वर्णन किया। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप वहां होते तो सोचते कि मैले चिथड़ों में लिपटा लाजर आत्मिक धन से वंचित था। हम सभी उसे असाध्य समझते। दूसरी ओर मुझे पूरा विश्वास है कि उस धनवान व्यक्ति के पास अनेक मकान थे, आराधनालय, स्कूल, मसीही संस्था आदि आदि। मेरे विचार में उसे समाज में बड़ा सम्मान प्राप्त था।
कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य उस धनवान को और लाजर जिसका घाव कुत्ते चाटते थे उनको बाहरी रूप में देखता था। यह दयनीय दरिद्रता धन की बढ़ती का दृश्य था, उनमें इससे अधिक दूरी नहीं हो सकती थी। हम लूका 16 उसके 22 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। हमारा प्रभु मृत्यु के द्वार के पार इस प्रकार निकल जाता है जैसे वह एक सामान्य बात हो। जब वह गरीब मनुष्य मरा तो उसका दफन नहीं किया गया, उसकी देह गहना घाटी में फेंक दी गई जहां कूड़ा डाला जाता था और जलाया जाता था। उस युग में वे गरीबों को मरने के बाद वहीं फेंक देते थे। जिस पल वह गरीब मनुष्य मृत्यु के द्वार पर पहुंचा, स्वर्गदूत उसे लेकर अब्राहम के पास गए और उसकी गोद में रख दिया। मित्रों, वह धनवान मनुष्य भी मर गया और गाड़ा गया। उसका अंतिम संस्कार बड़ी धूमधाम से किया गया। परलोक में उसका मार्ग दूसरा था। लूका 16 अध्याय के 23 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। यहां दो बातों पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर से रहित मनुष्य उत्पीड़न की सचेत अवस्था में रहते हैं। दूसरी बात, हम सब एक दूसरे को पहचानते हैं। हमारी पहचान समाप्त नहीं होती है। अधोलोक यूनानी शब्द हेदस का अनुवाद है, जिसका अर्थ है अदृश्य संसार। यहां अधोलोक को नरक न समझे, क्योंकि नरक अभी बंद है। उसके प्रथम प्राणी होंगे ख्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता। अतः मरणोपरांत वह धनवान मनुष्य और लाजर उस अदृश्य संसार में चले गए जहां संसार से कूच करने वाले रहते हैं। मृत्यु एक पृथक अवस्था है, इसका अर्थ विलोप हो जाना नहीं है। आदम वर्जित फल खाकर अर्थात मना किए फल को खाकर मर गया था। वह शारीरिक रूप से तो 900 वर्ष तक जीवित था, फल खाते ही वह परमेश्वर की उपस्थिति से रहित हो गया था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 25 और 26 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। मेरे मित्रों, मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो जाता है। मनुष्य जीवित रहकर भी मृतक है। पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को लिखा है 2 अध्याय उसके 1 पद में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। बड़े शहरों में कुछ स्थान रात में जीवित एवं सक्रिय होते हैं। यदि आपको चेतनाहीन मनुष्य और मृतक देखने हो तो रात्रि क्लब में चले जाइए। वहां वे ड्रम बजा रहे होंगे, संगीत बड़ा तेज बजा रहे होंगे, पेट भरकर शराब पी रहे होंगे, ड्रग्स ले रहे होंगे, क्योंकि वे मरे हुए हैं और जीना चाहते हैं। दूसरी मृत्यु भी है जिसे आत्मिक मृत्यु कहते हैं। इसका अर्थ है परमेश्वर से अनंत संबंध का विच्छेद होना। शारीरिक मृत्यु में शरीर निष्क्रिय और निर्जीव हो जाता है, क्योंकि आत्मा देह से दूर हो जाती है, अर्थात आत्मा देह को त्याग देती है। शरीर को कब्र में रख दिया जाता है जहां उसका विघटन होता है और वह मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय के 19 पद में लिखा है, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। अतः मृत्यु पृथक अवस्था है। यदि हम यह समझ लें कि अधोलोक दो भागों में विभाजित है तो हमें यह दृष्टांत समझने में आसानी होगी। एक भाग है आनंद धाम या स्वर्ग जो अब्राहम की गोद है, और दूसरा है पीड़ा का स्थान या आनंद धाम खाली हो गया है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वर्गरोहण के समय पुराने नियम के विश्वासियों को अपने साथ ले गया था। हम इसे इफिसियों के पत्री 4 अध्याय उसके 8 से 10 पद में देख सकते हैं। पीड़ा का स्थान उस समय खाली होगा जब श्वेत सिंहासन के सामने न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 11 से 15 पद में हम इसे भी देख सकते हैं, वे जो न्याय के लिए यहां उपस्थित होंगे ये वे लोग होंगे जो परमेश्वर से रहित जीवन जीते हुए मर गए। वे अग्नि कुंड में डाले जाएंगे और यही दूसरी मृत्यु होगी। मेरे मित्रों, धनवान मनुष्य की आत्मा पीड़ा के स्थान में पहुंची। यह वह स्थान है जहां परमेश्वर से रहित मनुष्यों की आत्माएं थी। लाजर की आत्मा को अब्राहम की गोद में रखा गया।
यहाँ ध्यान दीजिए कि यीशु ने यह नहीं कहा कि धनवान मनुष्य की आत्मा पीड़ा में इसलिए गई है कि वह धनवान था, या लाजर को अब्राहम की गोद में रखा गया क्योंकि वह दरिद्र या गरीब था। प्रभु के कहने का अर्थ यह था कि मनुष्य का मन देखा जाता है, उसका बाहरी रूप नहीं देखा जाता।